कमजोर। मेरे हाँ सवाल है कि एक हदीस में है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए भी वैसा पसंद करो। मेरा सवाल है कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ खुद हमें पसंद नहीं होती, लेकिन जिसको कुछ देना हो उसको पसंद होती है। क्या इस सूरत में किसी को ऐसी चीज़ देना इस हदीस के मुनाफी नहीं होगा? नहीं, जो पसंद करो वाली हदीस है उसका मतलब ये है कि जो कपड़े तुम्हें बुरे लगते हैं वो गरीबों को ना दे दिया करो। दूसरी जगह कुरान करीम में आता है कि ऐसी चीज़ ना दो कि अगर तुम्हें दी जाए तो शर्म के मारे तुम्हारी आंखें नीची हो जाएं। इसलिए ये मतलब और है, दूसरी बात और है। दूसरी की पसंद को जो उसकी पसंद है उसके मुताबिक दे दो, कोई हर्ज नहीं। चाकला मेरे पास लतीफा है। हाँ लतीफा सुनाओ। एक साहब एक बकरा खरीद रहा था। उन्होंने बकरे वाले से उसकी रंग, नस्ल, सूरत, चाल, दांत, आवाज वगैरह के मुतालिक 1 घंटा तफसीर मालूमात हासिल की। फिर बकरे वाले को कहा, इस बकरे की नस्ल कुछ आला नहीं लगती और आवाज भी बहुत तेज है। बकरे वाले ने झंझलाकर कहा, साहब आपने झंझला के जन जी झंझला के झंझला के कहा, साहब आपने कुर्बानी के लिए बकरा लेना है या घर के लिए दामाद? वो मुर्गी वाला सुना हुआ है कि एक शख्स ने मुर्गी मंगवाई तो एक टांग उसकी नहीं थी, तो उसने बैरे से कहा कि देखो ये मुर्गी कैसे लाए हो, उसकी एक टांग नहीं है। उसने कहा आपने खानी है, इसके साथ डांस तो नहीं करना आपने। अच्छा बताओ।